सबसे पहले तो डैशबोर्ड की लुक देख लो, ये भाई बेस मॉडल एस का लोगो, ताकि रात को जब ड्राइवर यहाँ से चलाए तो ये आंखों में ना चुभे। एक और इसके अंदर बटन है कि कोई समझ पता कोई नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये एवरेज छोक रहेगा आपसे, ये स्पीकर ज्यादा आवाज देगा एज कम्पेयर टू दूसरे स्पीकर्स। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आए कि इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बताओ, इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बताओ। सबसे पहले थैंक यू मेरी सारी वीडियोस को इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और आपसे भी बार बार एक ही कमेंट आ रहा था कि जो हमने बेस मॉडल के अंदर टॉप मॉडल वाली VXI वाली इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाया है वो कैसे काम करता है, उसके कौन से फीचर्स काम करते हैं कौन से नहीं। सबसे पहले तो डैशबोर्ड की लुक देख लो, ये भाई बेस मॉडल है LXI CNG, इसको बिल्कुल टॉप बनवा दिया है, ये भी देख लो। और इसकी वीडियो यहाँ ऊपर आ रही होगी, यहाँ आप जाके देख सकते हो कैसे बनवाया कैसे नहीं। अब मैं बात करता हूँ कि इसके बारे में, ये कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या दिखता है, हमें क्या क्या नहीं दिखता। ये की लगाई, अभी हम इसे लगा देते हैं, इग्निशन मोड पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ एसेसरी मोड पे लगाएंगे। एसेसरी मोड पे लगा दिया, ठीक है। अब देखना एस का लोगो देख पा रहे हो, बिल्कुल ओरिजिनल मारुति की स्क्रीन है ये, बिल्कुल ओरिजिनल मारुति की स्टीरियो। अब इसके अंदर आते हैं ऐसे बटन 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर आपको नहीं दिख रहे तो मैं, हाँ अब दिखेंगे आपको भाई, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट था ना तो इसलिए बंद होगी वीडियो, उसके लिए सॉरी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बटन है। एक एक बटन की आपको वर्किंग बताता हूँ। सबसे पहला ये बटन, ये बटन है स्क्रीन को ऑन ऑफ, स्टीरियो को ऑन ऑफ करने का, ये दबाया आ गया। ये टेम्परेरी, जैसे अपना फोन है वो टेम्परेरी बंद होता है, साइड से हम स्क्रीन चली जाती है, और जब हम उसे स्विच ऑफ करते हैं वो सीन अलग होता है। अगर स्विच ऑफ करना है तो इसे लॉन्ग प्रेस करके रखो, स्विच ऑफ हो गया। अब एक बार जब दिखाओगे तभी स्टार्ट हो जाएगा, हुआ स्टार्ट। ये वाला बटन आप सभी समझ गए होंगे, वॉल्यूम, ये किए गाने बंद, और ये आवाज़ बढ़ाने के लिए, आवाज़ घटाने के लिए, देख रहे हो, ये आवाज़ बढ़ाने के लिए, आवाज़ घटाने के लिए, ये म्यूट करने के लिए। मान लो कि जैसे आवाज़ कर देता हूँ मैं 5 से, म्यूट करना है ये दबा दो, दोबारा चल जाएगा। ये सेम ये वाला बटन काम करता है यहाँ। उसके बाद बटन आते हैं राइट साइड वाले, ठीक है। ये है ये वाला होम बटन, जैसे मान लो कि हमने कुछ भी सेटिंग्स वगैरह कुछ भी खोल रखा है, ठीक है, और फिर हमने दबा दिया ये बटन, तो हम बिल्कुल मेन इस पे आ जाएंगे, ठीक है। ये वाला आपको पूरा लुक आ जाएगा। ये है सेटिंग भाई, अब सेटिंग देखो कितनी ज्यादा इसके अंदर वेरियस दे रखे हैं। एक और इसके अंदर बटन है कि कोई समझ पता कोई नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, ये दबाओ, पेयर डिवाइसेस कौन से इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं मल्टीपल चीजें, वो बाद में आऊंगा, उसकी एक अलग वीडियो आएगी। इसके अंदर देखो डिस्प्ले के अंदर हम जाएंगे, ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लो अपना नॉर्मल पे, कुछ ज्यादा नहीं है। अब मोड नाइट लग रखा है, क्यों लग रखा है, क्योंकि मैंने लाइट ऑन कर रखी है, अगर मैं लाइट ऑफ कर दूंगा देख रहे हो, ताकि रात को जब ड्राइवर यहाँ से चलाए तो ये आंखों में ना चुभे। उसके बाद आता है डे और डेट और टाइम सेलेक्ट करने का, ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं 11/37 हुए 27 दिसंबर है। उसके बाद वीडियो आएगी लॉक कीपैड वाइल ड्राइविंग, ये एक मोड है भाई, ये तो व्हीकल अलर्ट्स का। देखो मैं बता दूं, ये वाले बेस मॉडल के अंदर काम नहीं करेंगे, इसकी वायरिंग आती है वो ECU से कनेक्ट होती है, वो कुछ कराने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये ना भी चलेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ये वो दिखा ले मतलब लो फ्यूल है वगैरह ये चीज़ें, डोर कौन सा ओपन है वो अपना यहाँ भी दिख जाता है भाई, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फिर आता है लॉक कीपैड वाइल्ड ड्राइविंग, कीपैड अगर लॉक करना है, ये कुछ ज़्यादा काम नहीं आते फीचर्स। स्क्रॉल थ्रू स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स, हाँ से स्क्रॉल करूँ मैं, यहीं से ही करने पड़ते हैं, अगर किसी को पता हो तो भाई बताना। फिर आता है सिक्योरिटी के अंदर हम पिन लगा सकते हैं, हमने लगा नहीं रखी। उसके बाद आता है हमारा सिस्टम इंफॉर्मेशन, ये देख लो कौन सा सॉफ्टवेयर का वर्जन है इसका, ये वाला वर्जन है, जो ZXI वेरियंट आता है उसके अंदर अलग मिलेगा आपको।
फिर आता है ओपन सोर्स लाइसेंस, ये है, डाउनलोड कर सकते हैं हम इससे। फिर उसके बाद हमारा जो ऑप्शन आता है वो है रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग्स। अगर आप ये इसे रीसेट दबा दिया तो पूरी हेड यूनिट रीसेट हो जाती है। दुकान वाले दूसरी गाड़ी से उतारते हैं इसे रीसेट करके, रीसेट कर देते हैं, आप क्या होगे फिर ये अपने आप से हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है वॉल्यूम वाले पे, इसके अंदर बेस, मिड, ट्रेबल, ये सब कुछ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है बैलेंस फेडर, इसके अंदर आप ये कौन से कॉर्नर के अंदर आवाज आनी चाहिए। भाई हमने तो ये मिड में कर रखा, चारों स्पीकर इक्वली काम करेंगे। मान लो कि आपने राइट साइड कर दिया ऐसे ड्राइवर की साइड, यहाँ तो जो ये स्पीकर है ये स्पीकर ज्यादा आवाज देगा एज कम्पेयर टू दूसरे स्पीकर्स। तो इसे रीसेट मिड में ही रखते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है वो इक्वलाइजर। भाई इक्वलाइजर अपने अपने मर्जी है, मैंने कस्टम भी बना रखा और रॉक पे रखता हूँ मैं ज़्यादातर, और सबका अपना अपना टेस्ट होता है, कोई जैज़ पे कोई पॉप पे, मुझे रॉक पे पसंद है। और उसके बाद आता है हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम सिलेक्ट कर सकते हैं फ़ोन कॉल की कितनी, रिंग टोन की कितनी, अपना जो सिस्टम है इसकी कितनी वो भी दिखाऊंगा, कौन सी आवाज़ की बात कर रहा है सिस्टम की। स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल, ये है कि जब जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है, मान लो कि आपकी स्पीड ज़्यादा, मान लो आपने इसके अंदर सिलेक्ट कर दी 5 की स्पीड, फिर आपकी गाड़ी चल पड़ी जब तो आप थे 10-20 की स्पीड में, फिर आप 100 पे भगा रहे हो, तो भाई वो 5 वॉल्यूम कर रखे हो तो सुनेगी नहीं भाई। तो इसलिए इसके रखा है स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल, जो कि जैसे जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है ये अपने आप आवाज़ को बढ़ा देता है, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है भाई ये सिस्टम, बीपीएम मैंने बंद कर रखा है वरना ये ऐसी आवाज़ करता है, ऐसे वाली ये मैंने कर रखा है बंद। फिर उसके बाद वॉल्यूम एटेन्यूएशन ड्यूरिंग रिवर्स, जब आप रिवर्स लेते हो, जैसे रिवर्स लेंगे तो फिर ये जो हमारा मान लो सॉन्ग्स चल रहे हैं जाते हैं आवाज़ में, तो वो अपने आप थोड़ी लो आवाज़ कर देता है, ये वाला फीचर है। फिर आ जाते हैं हमारे एएम के, एक एफएम होता है, एक एएम होता है, एएम के एक्टिव है या नहीं, मैंने एक्टिव पे लगा रखा वैसे मैं कुछ यूज़ नहीं करता। फिर आता है हमारा ये स्मार्टफोन वाला, स्मार्टफोन के लिंक के लिए आप यहाँ जाओ, स्मार्ट प्ले स्टूडियो से कनेक्ट करना है या फिर एप्पल कार प्ले या फिर एंड्रॉयड ऑटो। फिर जाता है हमारा फ़ोन का कि हमारे यूनिट किस नाम से जो हम ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो ऑप्शन आता है वो आता है ये जिसपे म्यूजिक बन रखा है, ये देखो ये जिसपे म्यूजिक बन रखा है। अगर हम इस पे जाएंगे तो हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या यूज़ करना, मान लो यहाँ हमने यूएसबी लगा रखी है तो फिर इस पे जाना पड़ेगा, ब्लूटूथ से कनेक्ट किया तो ये, एफएम के लिए ये, एएम के लिए ये, और ये हमारा बटन है बैक का। बस भाई इस स्टीरियो के अंदर इतनी सी चीज़ है, और जिसका ये एक्टिव होगा, जिसका ऑटो वाला वेरिएंट होगा, उसके अंदर ये एवरेज शो करेगा। आपसे पूछ रहे सारे फीचर्स काम करते हैं, भाई एवरेज नहीं दिखाएगा क्योंकि इसके ईसीयू से कनेक्टेड नहीं है, क्या करेंगे भाई एवरेज देख के। बस इतना सा ही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, जिसको लगे कि शेयर करनी चाहिए, जिसको ज़रूरत है देखने की भाई उसे शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको कोई भी डाउट हो ब्रेजा से रिलेटेड, किसी भी तरह की वीडियो चाहिए हो कमेंट कर देना, वही वीडियो आ जाएगी। थैंक यू सो मच।